Hey guys, and welcome to my channel Shalini's Experience. In this video, I'm going to tell you the complete strategy, or you can say the complete package of how to clear FKET 2 2021. Especially those who are freshers, उनके लिए एक बहुत बड़ा confusion रहता है कि FKET का जो syllabus है उसको कहाँ से cover करे, क्या syllabus है, क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़े, कौन सी websites, कौन से test series हम follow करें. So मेरे इस video में ये पूरा package है कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, and what is the syllabus. तो जो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जो भी हमारे freshers है, जिन्होंने जो first time FKET देने वाले हैं, उनके लिए कि हमारे FKET examination में 100 questions होते हैं. Each question is of 3 marks, ओके. अगर आप सही आंसर पर टिक करते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, और अगर आप गलत आंसर पर टिक करते हैं तो आपका 1 मार्क काट लिया जाएगा. सो अकॉर्डिंगली आपको इसमें अपना जो करेक्टनेस है आंसर देने का, वो बहुत ध्यान में रखना है. अगर आप बहुत ज्यादा यू नो तुक्का मारेंगे तो चांसेस है कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो बहुत ज्यादा आपके मार्क्स को, ओवरऑल मार्क्स को गिरा देगी और आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाएंगे. सो जो इंग्लिश है उसमें आते हैं 25 questions, रीजनिंग है उसमें आते हैं 32 questions, न्यूमेरिकल एबिलिटी इज ऑफ 18 questions, और जीके जो आता है वो भी है 25 questions. ओके, तो ये है हमारा ओवरऑल सिलेबस की जो हमारा FKET एग्जाम होता है उसमें क्या क्या पूछा जाता है. सो जो इंग्लिश का सिलेबस है इसमें आता है कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस. देखिए, अगर आप ये कर लेते हैं तो जो आपका मार्क्स बूस्ट अप होगा वो इंग्लिश के थ्रू आराम से हो सकता है. कॉम्प्रिहेंशन जो आता है वो बहुत ही ईजी होता है, आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा जो कि बहुत ही सिंपल वर्ड्स में होता है, जैसे हम लोग स्कूल में करते थे 9th-10th में. फिर उसमें जो क्वेश्चन आते हैं आपको पैराग्राफ्स में से आंसर ढूंढ के उनको टिक करना होता है. जो एरर डिटेक्शन आता है वो भी FKET में, एरर डिटेक्शन जो आता है वो भी बहुत बेसिक लेवल का आता है, क्योंकि जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं उसमें एरर डिटेक्शन काफी डिफिकल्ट देता है, बट इसमें आपको देखते साथ ही समझ में आ जाएगा कि कौन से पार्ट ऑफ सेंटेंस में एरर है. सो फॉर दैट आप अगर थोड़ा बहुत जो ग्रामर के रूल्स है, किसी ने आपको बताऊंगी कौन से बुक से पढ़ने हैं, वो अगर आप एक बार गो थ्रू कर लेते हैं तो आपका एरर डिटेक्शन आराम से निकल जाएगा. ठीक है, अब आती है बात एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड वोकैब्स की. तो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स जो आता है, आप मान के चलिए इसके लिए आपका वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होना बहुत नेसेसरी है. अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और सिर्फ पढ़ते ही नहीं, अगर आप उसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं उनको लिखते हैं, उनका मीनिंग सर्च करते हैं, उनके एंटोनिम्स सिनोनिम्स सर्च करके उनको लिखते हैं, तभी आपके लिए एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स जो होगा वो थोड़ा सा आसान होगा. अदरवाइज जो वर्ड्स आते हैं एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, ऑनेस्टली थोड़े से डिफिकल्ट आते हैं. तो इंस्टेड ऑफ तुक्का लगाना, अगर आप एकदम श्योर है तभी आंसर टिक करिए, अदरवाइज एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने तुक्के के में गलत टिक कर दिया तो हो सकता है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग की वजह से बहुत ज्यादा आपका ओवरऑल मार्क्स में नुकसान हो जाएगा. ठीक है, मिसस्पेल्ड वर्ड जो है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, क्योंकि बचपन से हम इंग्लिश की बुक्स पढ़ते आए हैं, अपना जो पूरा सिलेबस हमने हमेशा से इंग्लिश में कवर किया है, तो हमारे लिए स्पेलिंग पहचानना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क. ओके, सो इस वजह से क्या होता है कि कुछ स्पेलिंग्स जो आती है वो बहुत ही नॉर्मल स्पेलिंग्स नहीं आती है, यूजुअली जो स्पेलिंग्स आती है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, ताकि ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, दोनों के लिए जो लेवल है हार्ड पेपर के हार्ड होने का वो बराबर रहे. तो जैसे कि मान लीजिए अगर स्पेलिंग है वैक्यूम की, तो VACCUUM, ये है वैक्यूम की स्पेलिंग, बट आपके 4 ऑप्शन में ऐसा स्पेलिंग एक तो रहेगा, बट इसके अलावा जो दूसरे स्पेलिंग्स रहेंगे आपको ऐसा लगेगा कि वो ज्यादा फेमिलियर है. तो इसके लिए भी आपका जो वोकैब है वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, बट फिर भी मिसस्पेल्ड वर्ड्स जो आते हैं वो एंटोनिम्स सिनोनिम्स से काफी हद तक ईजी होते हैं. नेक्स्ट जो है वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस. इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए आई विल इसी स्लाइड में आपको नीचे, इसी पीपीटी में नीचे मैं आपको दूसरे स्लाइड में बताऊंगी कि आपको कौन से बुक्स फॉलो करने हैं और किस तरीके से जो इडियम्स एंड फ्रेजेस है उसको याद करना है. बेसिकली जो प्रोसीजर है इडियम्स एंड फ्रेजेस को याद करने का, यूट्यूब में वेरियस चैनल्स है जहां पर इडियम्स एंड फ्रेजेस के शॉर्ट ट्रिक्स बताए जाते हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो अपने अपने शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू इडियम्स एंड फ्रेजेस को याद करवाते हैं. तो मेरा ये सजेशन है कि अगर आप यूट्यूब में जाके सर्च करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस करके, तो आपको एक यू नो वास्ट गेम हो जाएगा जो इडियम्स एंड फ्रेजेस का जो कंप्लीट पैकेज है वो आपके दिमाग में. अदरवाइज जो सही तरीका है, दूसरा तरीका है इसको याद करने का, वो है आप सिंपली जो बुक्स में बताने वाले आपको नीचे उसमें जाइए, उसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस निकालिए और डेली 20-30 इडियम्स एंड फ्रेजेस को खुद मेमोराइज करिए. ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इट इज अगेन अ वेरी सिंपल पार्ट ऑफ इंग्लिश. सो इसमें क्या होता है कि कोई सेंटेंस दिया होता है आपको, उसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, उसको वन वर्ड में सब्स्टिट्यूट करना रहता है. सो इट्स अगेन वेरी इजी. सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस, ये जंबल्ड वर्ड्स होते हैं या फिर जंबल्ड सेंटेंसेस होते हैं. ठीक है, तो जो जंबल वर्ड्स आते हैं वो समहाउ आपको देखने से समझ में आ जाएगा कि उसके जो रियल वर्ड्स है वो क्या है, और जो रियल वर्ड है वो क्या है, और जंबल्ड सेंटेंसेस भी आते हैं, तो इट इज अगेन वेरी इजी, इट इज फॉर एवरीवन, आराम से आपको देख के सब समझ में आ जाएगा. बेसिकली जो इंग्लिश का पार्ट है इसके लिए आपको थोड़ा सा जो इंग्लिश है ग्रामर के रूल्स है वो अगर आप गो थ्रू कर लेंगे तो आपका इंग्लिश पार्ट बहुत ही आराम से निकल जाएगा. जो हमारा नेक्स्ट है वो है रीजनिंग. रीजनिंग, ओके, इसमें जो रीजनिंग आता है वो है वर्बल. तो जो सीरीज, पैटर्न, कोडिंग, डिकोडिंग, वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी और वेन डायग्राम, डॉट क्वेश्चंस, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फाबेट्स और वर्ड्स, जो सीरीज आती है, जो पैटर्न्स आता है, वो यूजुअली ऐसे रहता है कि आपको एक पैटर्न, 2-3 इमेजेस है, डायग्राम्स है, वो कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करने हैं, कर रहे हैं, और आपको जो है वो नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा वो 4 ऑप्शंस में से सर्च करके बताना होता है. ओके, कोडिंग डिकोडिंग में अल्फाबेटिकल कोडिंग डिकोडिंग आता है, न्यूमेरिकल कोडिंग डिकोडिंग आता है, वर्ड्स वाले कोडिंग डिकोडिंग आते हैं. तो ये बहुत ही ईजी है. जो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं वो है 32. तो रीजनिंग में आप 32 में से 3200% ग्रैप कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा सोच समझ के ओपन माइंड के साथ अपना पेपर बनाएंगे. तो जो वर्ड एनालॉजी है, नंबर एनालॉजी है, इसमें भी कुछ ज्यादा टफनेस नहीं होता है. यूट्यूब में वेरियस यू नो
भरे पड़े हुए हैं, किस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है, एंड इट्स वेरी सिंपल। इफ अगर आप एक बार देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये जो इसकी जो रीजनिंग है वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस पर डिमांड नहीं करती है, सबसे अच्छी बात तो यही है। इस वजह से आप जो अपना पूरा प्रिपरेशन का फोकस है वो जीके में, और अगर मैथमेटिक्स में वीक है आप तो अपने वीक सब्जेक्ट्स में डाल सकते हैं। सो जो एफके का रीजनिंग है इट्स अमेजिंग। जो वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम में आता है कि सम एप्पल्स आर फ्रूट्स, ऑल फ्रूट्स आर बनानास, एक्स वाई जेड, इस तरीके से आते हैं क्वेश्चंस। और फिर जो सेंटेंसेस होते हैं आपको बताना होता है कि जो कंक्लूजन स्टेटमेंट्स होते हैं वो आपको ट्रू या फॉल्स बताना होता है। ओके, फिर जो डॉट क्वेश्चंस आते हैं, डॉट क्वेश्चंस पूरे 5 आते हैं, और जो जो पहला डॉट क्वेश्चन होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, फिर सेकंड थोड़ा टफ, थर्ड थोड़ा और टफ, फोर्थ फिफ्थ इवेंचुअली। तो आप डॉट क्वेश्चंस के लिए भी यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, और बुक्स से बुक्स यूट्यूब से अगर आप सारे चीज़ों को समझ लेंगे जो आपको आता नहीं है, और फिर आप अगर बुक्स से प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो कम्प्लीटली यू नो बहुत स्ट्रॉग हो जाएगी। तो जो डॉट क्वेश्चंस होते हैं इसमें वेरियस शेप्स बने होते हैं, एक डॉट होता है और आपको अलग अलग मतलब 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, और फिर बताना होता है कि जिस तरीके से जिस पैटर्न को फॉलो करते हुए ये डॉट इन शेप्स के बीच में है वैसा सिमिलर इमेज कौन सा है फ्रॉम द ऑप्शंस। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड वर्ड्स, ये अगेन बहुत ईजी है, ये भी आप समझ जाएंगे जब इसके पेपर्स बनाएंगे। ओके, न्यूमेरिकल एबिलिटी, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, वर्क इन टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, फ्रैक्शन एंड सिंप्लीफिकेशन, एलजेब्रा। देखिए, जिनकी जैसे कि मेरा मैथमेटिक्स काफी वीक है, तो जो मेरे जैसे बच्चे हैं मैं उनको ये सजेस्ट करूंगी कि आप सबसे पहले तो ये जो सिलेबस है न्यूमेरिकल एबिलिटी का, इसमें से ढूंढ ले कि आपको कौन से ईजी पढ़ेंगे, और उन पर आप बहुत ज्यादा फोकस करके अच्छे से मेहनत करके जाइए, ताकि जब एग्जाम में वो क्वेश्चन आए तो आप उनको आराम से बना सकते हैं। और क्या है कि जैसे नंबर सिस्टम है, प्रॉफिट लॉस है, एवरेज है, ये कुछ सिंपल टॉपिक्स है, अगर आप इनसे गो थ्रू हो जाते हैं तो इट विल बिकम ईजियर फॉर यू टू यू नो क्रैक न्यूमेरिकल एबिलिटी। बट हाँ, जैसे कि मेरा ये काफी वीक है तो मैं हमेशा से पीछे छुड़ाती हूँ, बट ठीक है, अगर आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी स्ट्रॉन्ग है तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्लस पॉइंट है। ओके, फिर आते हैं जनरल अवेयरनेस, जो सबसे खतरनाक होता है। इसमें जो चार ऑप्शंस आते हैं क्वेश्चन के, वो चारों में कंफ्यूजन होता है, या फिर किसी दो में कंफ्यूजन होता है अगर आपका करंट अफेयर, अगर आपका जनरल नॉलेज बहुत क्लियर नहीं है। तो जनरल अवेयरनेस को किस तरीके से प्रिपेयर करें? करंट अफेयर्स की स्पेलिंग गलत है। ओके, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी, डिफेंस, आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिक एंड मिसलेनियस एट द एंड। ठीक है, तो देखिए, अगर आपने अभी तक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी और जियोग्राफी, ये चार सिलेबस जो जनरल अवेयरनेस का है वो अगर आपने नहीं कंप्लीट किया है, और अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इतने पार्ट को कंप्लीटली छोड़ के जो बच जा रहा है क्या क्या, करंट अफेयर्स, डिफेंस, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स एंड मिसलेनियस, ठीक है, इतने को अगर भी आप कवर करते हैं तो भी आपका जनरल अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा पार्ट कवर हो जाता है। देखिए, आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या आ जाता है, डिफरेंट स्टेट्स के डांस आ जाते हैं, डिफरेंट स्टेट्स के कुछ जो बहुत ही फेमस यू नो फूड है वो आ जाता है, या फिर जैसे कि स्टैटिक में अगर आप देख लीजिए तो जैसे कोई मॉन्यूमेंट्स है वो कहाँ कहाँ है, जो हमारे 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है उसमें से किसी एक का यू नो कंट्री पूछ देंगे, लाइक दिस। तो जो स्टैटिक है, जो आर्ट एंड कल्चर है, दीज आर वेरी नोन टॉपिक्स, अगर आप एक बार भी इनसे, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सारी चीज़ें, एक बार भी इनसे गो थ्रू हो जाते हैं तो आपको बहुत हेल्प होगी। फिर जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स जो आता है वो यूजुअली करंट अफेयर्स से आता है, पिछले 3-4 महीने में जो भी यू नो ग्रैंड स्पोर्ट्स हुए हैं उनके बारे में आता है। स्पेशली एफके बहुत ज़्यादा फोकस करता है ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एंड इसके अलावा जो स्पोर्ट्स में जो कवर होता है वो है क्रिकेट, और इसमें जो ट्रॉफीज आती है, नॉट ओनली क्रिकेट की ट्रॉफीज, जितने भी स्पोर्ट्स में अलग अलग स्पोर्ट्स हैं उनकी जो ट्रॉफीज है, और उनके जो जो बहुत ही बड़े लोग उन पर्टिकुलर स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं उनके बारे में भी पूछ लेते हैं। बट हाँ, कोई बहुत ही इधर उधर का नहीं पूछते, जो रिलेटेड टू करंट अफेयर्स होते हैं, अगर आप करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वो एग्जाम टाइम में क्लिक कर जाएगा। करंट अफेयर्स जो है ये आपके पिछले, अगर आप मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग पिछले 6 मंथ्स का अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ के जाते हैं तो इट विल हेल्प यू अ लॉट इन मेनी थिंग्स, ठीक है। और मिसलेनियस फिर तो बहुत कुछ है कि वर्ल्ड्स फर्स्ट वुमेन जिसने कुछ स्पेशल किया हो, या फिर फर्स्ट फीमेल जज इन इंडिया, फिर मतलब देयर आर मेनी थिंग्स, ओके, लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, या फिर देयर आर मेनी थिंग्स, मतलब ये इसके लिए कहाँ से प्रिपेयर करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये हो गया जनरल अवेयरनेस। अच्छा, इसमें पॉलिटिक्स और जो डिफेंस वाला पार्ट है, डिफेंस में भी जो जनरली पूछा जाता है वो भी करंट अफेयर्स से ही पूछा जाता है कि अगर हमने कोई एयरक्राफ्ट दूसरे जगह से खरीदा है तो उस जगह का, या तो फिर यू नो वो कंट्री का नाम पूछ देंगे, या फिर वहाँ की करेंसी पूछ देंगे, या फिर कोई दूसरे एयरक्राफ्ट के बारे में पूछ देंगे जो हमने पर्टिकुलरली उस जगह से खरीदा हुआ है, या फिर कोई डिफरेंट डिफेंस इक्विपमेंट्स, या फिर जो एक्सरसाइजेस होती है दो कंट्रीज के बीच में, 3 कंट्रीज के बीच में, ये सारी चीज़ें डिफेंस के अंडर में आ जाएंगी। इसके अलावा जो हमारे पास ऑलरेडी एयरक्राफ्ट्स है, हेलीकॉप्टर्स है, ये हमने कौन से वाले कहाँ यूज होते हैं, कौन सा इंडिजीनियस है, ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये सारी अगर आप देख लेंगे तो ये भी डिफेंस में पूरी तरीके से आ जाता है। जो पॉलिटिक्स है, इस पॉलिटिक्स में एक्जैक्टली कोई पॉलिटिकल पार्टी और ये सबको लेकर नहीं पूछता है, बट एक जो आपकी जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए उसके बारे में ये इन पॉलिटिक्स ये कवर करता है, ठीक है। सो जो नेक्स्ट है वो है बुक्स यू कैन फॉलो। तो फॉर इंग्लिश, एक परफेक्ट कॉम्पिटेटिव इंग्लिश बाय वी के सिन्हा करके आती है, ये काफी मोटी बुक है, बट इसमें से जो हमारे पीछे सेलेक्टेड टॉपिक्स जो मैंने आपको इंग्लिश में बताया है उसको आप अगर टिक कर लेंगे और फिर पढ़ेंगे तो ये सिलेबस इतना भारी भी नहीं है। ये बुक बहुत ही अच्छी है, आई पर्सनली लव दिस बुक, क्योंकि इसमें बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत सारी चीजें बताई गई है, ठीक है। उसके अलावा इंग्लिश फॉर जनरल कॉम्पिटिशन बाय नीतू सिंह, इस बुक को यूजुअली बच्चे जो बैंकिंग फील्ड में है वो फॉलो करते हैं, पर ये बुक नॉन बैंकर स्टूडेंट्स लोग के लिए भी काफी हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो मैम है नीतू सिंह, इन्होंने अपने बुक में पूरी तरीके से हिंदी इंग्लिश दोनों तरीके से समझा रखा है, तो समझने में बहुत आसानी होती है। अगर जो लोग हिंदी मीडियम से है जिनको एकदम डायरेक्टली इंग्लिश समझ में नहीं आती है, वो अपने ग्रामर के रूल्स एंड कुछ कुछ चीज़ें
जैसे वो कैब्स के शॉर्ट ट्रिक्स ये वो ये सारी इस बुक में दी हुई है, ठीक है। उसके अलावा जो थर्ड बुक है वो है अरिहंत की एफकेट की बुक, ये ब्लू कलर की बुक आती है, ये मेरे पास भी है एंड इट कंटेन्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट, कुछ उसमें मॉक पेपर्स भी है। बट हाँ, मैं मॉक पेपर्स की जो सजेशन है वो ये देना चाहूंगी कि आप ऑफलाइन मॉक पेपर्स ना बनाएं, ऑनलाइन ही बनाएं, क्योंकि उसमें टाइम और आपके पर्टिकुलर एक्यूरेट मार्क्स ये सब आपको एनालिसिस करने का मौका मिलता है, ठीक है। तो जो अरिहंत की एफकेट बुक है इसमें सब कुछ है, लाइक जो मिसलेनियस में बता रही थी, ये जो जनरल अवेयरनेस के जितने भी पार्ट्स मैंने लिखे हैं ये सारी चीज़ें उसमें ऑलरेडी दी हुई है। तो ये बुक जो अरिहंत की बुक है एफकेट की, ये इतनी मस्त है कि अगर आप दो तीन बार भी आप उसका जनरल अवेयरनेस वाला आप पढ़ लेते हैं, गो थ्रू हो जाते हैं, तो आपका जो जीके पार्ट है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। बट हाँ, करंट अफेयर्स के लिए क्या आपको लेना है वो मैं बताती हूँ आपको आगे। तो जो रीजनिंग के लिए बुक है वो है परफेक्ट कॉम्पिटेटिव रीजनिंग बाय दीपक कुमार, जो इंग्लिश की मैंने परफेक्ट कॉम्पिटेटिव इंग्लिश बाय वीके सिन्हा, ये है बाय दीपक कुमार फॉर रीजनिंग, ये अगेन बहुत अच्छी है। इसमें से आप जो आपका एफकेट का सिलेबस है फॉर रीजनिंग उसको टिक कर लेंगे और फिर बनाएंगे तो ये आपको आपकी रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करेगी। उसके बाद एफकेट द फर्स्ट स्टेप बाय डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन, ये मैंने अपने फ्रेंड्स लोग से सुनी है जो कुछ प्रिपेयर करते हैं इस बुक से और ये समाउ इसके रिव्यूज भी अच्छे हैं, तो आप इसको भी एक बार देख सकते हैं। और अगेन रीजनिंग के लिए एफकेट अरिहंत की जो बुक है, ये जो एफकेट अरिहंत की बुक है ये कंबाइंड बुक है फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, तो ये आपको कंप्लीटली बिल्डअप करने में जो आपका नॉलेज है वो बहुत हेल्प करता है, ओके। तो जो जनरल अवेयरनेस के लिए है, तो जनरल अवेयरनेस के लिए करंट अफेयर्स को छोड़ के जो एफकेट अरिहंत की बुक है वो आप फॉलो कर सकते हैं बिल्कुल। लूसेंट जनरल नॉलेज की बुक को भी फॉलो कर सकते हैं, बट लूसेंट जैसे कि काफी ज्यादा यू नो कंप्राइज्ड वे में दिया हुआ है और या इट इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड, पर अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो आप एफकेट अरिहंत जा सकते हैं। एंड इफ यू आर हैविंग गुड टाइम, आप दिन में बहुत ज्यादा पढ़ने वाले बच्चों में से है, तो आप डेफिनेटली लूसेंट की जनरल नॉलेज की बुक ले सकते हैं। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स है वो आप अड्डा 247 मंथली द हिंदू के पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, दैट इज जस्ट अमेजिंग फॉर ऑल द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। उसमें जितना भी हमारा करंट अफेयर्स है हर महीने का वो पूरी तरीके से क्या होता है, पूरी तरीके से ब्रशअप हो जाता है एक के बाद एक, और उसमें पीछे आपके स्टैटिक्स भी दिए रहते हैं वो भी आपको आपके प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर जो न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए बुक है, देखिए मैं पर्सनली बता रही हूँ मैंने न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए कोई बुक नहीं ली क्योंकि मैं बहुत बेकार हूँ मैथ्स में, सो हमेशा से मेरा राय कि जो जो थोड़ा बहुत मुझे आता है उसको ऊपर ऊपर से करके चले जाओ और बन गया तो ठीक, नहीं तो फिर देख लेंगे काइंड ऑफ। सो जो मेरे फ्रेंड्स के सजेशन के अकॉर्डिंग आई नो दिस, क्लास 10th और 12th की जो एनसीईआरटी मैथ्स है आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा और एफ के अरिहंत अगेन जो कंबाइंड बुक है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो वेबसाइट है जो आप फॉलो करके यू नो अपने प्रिपरेशन को ब्रशअप कर सकते हैं वो है ग्रेडअप की वेबसाइट, अड्डा 247, अनअकैडमी, एसएसबी क्रैक, ऑलिव गोल्ड। इन सभी में रेगुलर बेसिस पे बहुत सारे अपडेट्स होते हैं रिगार्डिंग यू नो करंट अफेयर्स, रिगार्डिंग डिफेंस, रिगार्डिंग मेनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड इंडिया और अराउंड द ग्लोब। सो इन सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो इन वेबसाइट्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और देखिए दोस्तों, दो महीने हैं ऑलमोस्ट, दो महीने से ज़्यादा ही है अगर हम काउंट करें तो जितना मैंने आपको सिलेबस बताया है और जिस तरीके से क्रिस्प तरीके से आप अगर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे अभी से, अगर आपने अभी भी शुरू नहीं किया है और अगर आप आज से भी स्टार्ट करते हैं या कल से भी स्टार्ट करते हैं तो भी आई कैन गारंटी यू कि जितनी चीज़ें मैंने बताई है उतना अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपका एफकेट 100% निकलेगा। या डेफिनेटली मैं आपको 200+ मार्क्स पर प्रॉमिस नहीं कर रही इस चीज़ से क्योंकि 200+ के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बट अगर आपको एफकेट क्लियर करना है, कट ऑफ क्लियर करना है, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दीज आर जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उसको आप आराम से फॉलो कर सकते हैं, ओके। सो जो टेस्ट सीरीज है, हाँ जो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज है, आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज बिल्कुल अटेंड मत करिए बिकॉज ऑफलाइन में क्या होता है कि जो एक्चुअल सेंस ऑफ एग्जामिनेशन है वो हम नहीं ले पाते हैं, ठीक है, जो एक्चुअल फीलिंग होती है। सो जो डिफरेंट टेस्ट सीरीज अवेलेबल है नेट में वो है टेस्ट बुक का जो एक पास आता है, इट इज हार्डली ऑफ 299 फॉर अ ईयर, तो ये ले लीजिए आप, इसमें सारे एग्जाम्स के लिए मॉक पेपर्स हैं। उसके अलावा अड्डा 247 में आप डिफेंस का कोई टेस्ट सीरीज ले लीजिए एफकेट के लिए स्पेसिफिकली, ग्रेडअप की टेस्ट सीरीज है, अनअकैडमी में टेस्ट सीरीज है, तो आप इन टेस्ट इन मॉक टेस्ट को लगाइए एंड उसमें जो भी आपके नंबर्स आ रहे हैं उनके एनालिसिस करिए, अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करिए एंड देन डेफिनेटली जो वीक एरियाज है उस पर अगर आप काम करेंगे तो आपका ये वाला एफकेट 2021 आराम से क्लियर हो जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज गाइस। आप लोग आते हो, देखते हो और फिर सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक भी नहीं करते, मतलब लाइक भी करते हो सब्सक्राइब भी कर दिया करो, आई जस्ट विश। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग इट टिल हियर, थैंक यू।